सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सौरभ का नमस्कार। साथियों, अगर संक्षेप में पूछा जाए कि मानव समाज को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका किस वर्ग की है, तो इसका सटीक उत्तर होगा मजदूर वर्ग की, जो हमारे लिए सुई से लेकर सैटेलाइट तक का उत्पादन करता है। लेकिन आजकल के साहित्य से मजदूर वर्ग अक्सर गायब ही रहता है। जो ज्यादातर कहानी या उपन्यास हम पढ़ते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं या फिर जो गीत हम सुनते हैं, उनमें ज्यादातर खाए पिए अघाए वर्ग की ही बातें आमतौर पर देखने सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। इसका बड़ा ही खतरनाक असर हमारी सामाजिक चेतना पर देखने को मिलता है। हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही सोचते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इस मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के संचालक चाहते हैं। इसी के चलते हम कई बार इतने अमानवीय हो जाते हैं कि मेहनतकश वर्ग के सुख दुख से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मजदूरों के प्रति हम निहायत ही असंवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में साहित्यकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज को ऐसा साहित्य उपलब्ध करवाएं जिससे श्रम संस्कृति के प्रति हमारा समाज संवेदनशील बने और समानता की ओर हमारे सामूहिक प्रयासों को शक्ति मिले। शेखर जोशी की कहानी बदबू ऐसा ही एक साहित्यिक प्रयास है, जिसमें हम एक फैक्ट्री मजदूर की जिंदगी के संघर्षों से जुड़ जाते हैं। सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवां की इस कड़ी में प्रस्तुत है शेखर जोशी की यही कहानी बदबू। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भांप लिया था। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। ये कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने को संकेत किया। एक बड़े टब में घटिया किस्म का कैरोसिन तेल रखा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों को कोनी कोनी भर उसमें डुबाकर मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिख धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन तेल की गंध के कारण उसका जी मिचला उठा। उस खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर बीसियों कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर लग गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। ये संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। यह बात वह दो क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। केरोसिन की गंध अभी छूटी नहीं थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और साबुन जेब से निकालकर उसने हाथों में मलना शुरू कर दिया। घासी रस ले लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बात सुनता रहा। एक गांव के मेहतर की लौंडिया थी, उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानो, गाँव के मेहतरों को तो कभी गंडा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ाकर अपने खसम से कहा करे, बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या करता, उसकी खातिर पेशा तो छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देता है। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके चेहरों पर भी उसकी बात सुनकर हंसी खिल गई। घासी ने ही फिर बात को स्पष्ट किया,
ये भाई भी अभी नाक हाथ पे ले जा जाके सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। अब पहले पहल हम भी ऐसे सूंघा करते थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता। कितनी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पहुंच पहुंच कर रोटी खाने बैठ जाते। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी की हंसी में उसने अपना योग भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी कैसे भला चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदल कर वह लाइन में जा लगा। एकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का खाली डिब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत कर देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों को पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रही थी। इसी झुंझलाहट में कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे वाले व्यक्ति को ठेल देते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दबाजी की कोई भद्दी अश्लील व्याख्या कर हंस देता था। उसे फोरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था, कि जैसे फोरमैन ने ये मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई थी। ठिगने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर एक गहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन ये देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना न चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वह भी आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघकर बाहर चला गया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक कर कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखी है। अनजाने में ही कहे गए ये शब्द साथ चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए थे। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए आए लगते हो, पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत सी पड़ जाएगी। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं, अब हमारे पड़ोस का एक लड़का उस बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी, वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा जो वह दिन भर में देख सुन चुका था। घासी और उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को भी वैसे ही झुका देगा। कारखाने में यह उसका पहला दिन था। फिर एक एक कर कई दिन बीत गए, परंतु घुटन और अवसाद की छाया दिनों दिन बोझिल होती गई। शहर के बाहरी भाग में स्थित कारखाने की पहली सीटी पर प्रतिदिन कामगार लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़कर हाथों में रोटी चबेना की पोटली या डिब्बा लटकाए अपनी सुध बुध खोकर तेज कदमों से कारखाने की ओर चले आते। दिन भर कारखाने की खटर पटर में मशीनों और औजारों से जूझकर थकी लस्त देह वालों का ये काफिला सांझ के धुंधलके में अपने घरों की ओर चल देता। सर्दी, गर्मी, बरसात में कभी भी इस क्रम में कोई बाधा न पड़ती। कारखाने में अपने अपने अड्डे पर काम करते हुए लोगों को हर रोज सुबह से शाम तक एक ही स्थान में उन्हीं चिर परिचित मुद्राओं में देखकर
उसे ऐसा लगता जैसे वह वर्षों से उन्हें उसी स्थान पर इसी रूप में देखता आ रहा हो। इस नीरस जिंदगी में कोई हलचल हो भी जाती तो उसका प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता। तालाब में ठहरे हुए जल में कंकर फेंक देने पर जिस तरह क्षणिक हलचल होती है, वह प्रतिक्रिया वहां किसी नई घटना की होती। एक दो दिन तक कारखाने में उस घटना की चर्चा रहती और फिर सब कुछ पूर्ववत शांत हो जाता। साथ ही कामगारों के चेहरों पर असहनीय कष्टों और दैन्य की एक गहरी छाप थी, जो आपस की बातचीत या हंसी मजाक के क्षणों में भी स्पष्ट झलक पड़ती थी। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचित्र शंका भाव जड़ जमाए बैठा रहता। शायद यही कारण था कि अचानक एक छोटी सी घटना के पश्चात उसके साथियों का व्यवहार उसके प्रति शंकालु हो उठा था। यों घटना कुछ विशेष नहीं थी। उस दिन कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई यार, साला बुधन सुलगती बीड़ी निकल गया। अरे भाई, हम भी वहीं खड़े थे। साहब ने मुंह खुलवाया और मुंह में बीड़ी नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस प्रकार चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीजें पड़ी रहती हैं, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ एक रुपए का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गईं जिधर से आवाज आई थी। साहब कुछ कहें इससे पहले वही व्यक्ति फिर बोला, अफसर साहबान तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दाबे घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उत्तंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। और जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हों। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छंट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया था। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए दो तीन नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, यद्यपि उनके व्यवहार और उनकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें ये अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हों। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांधे ले जा रहे हैं, इसीलिए तो अब ये उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की सी बारात बनाकर भेजा करें। खीर खाए बामणी और फांसी चढ़े शेख, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। चुप, टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा था। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। इस घटना के बाद कुछ लोगों की दबी दबी सहानुभूति पा जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अंधेरे बंद तहखाने में प्रकाश की हल्की किरण का आसरा उसे मिल गया हो। पर सभी कामगारों की आंखों में सहानुभूति का ये भाव नहीं था। अनेक सहकर्मी इस घटना के पश्चात उसके प्रति रूखा व्यवहार करने लगे थे और कुछ ऐसी भी आंखें थीं जिनमें अचानक ही ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना उभर आई थी। ऐसी ही एक जोड़ी आंखें एक दिन छुट्टी के बाद मार्ग में बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही थी। उसे ऐसा लगा
जैसे साथ में चलने वाला वह व्यक्ति उससे कुछ कहने के लिए अकुला रहा है। उन दोनों के साथ साथ मजदूरों का झुंड हाथों में थैला या टिफिन का खाली डिब्बा लटकाए चला जा रहा था। एक नई उम्र के शरारती कारीगर पीरू ने अपने से आगे चलने वाले अधेड़ उम्र के लाल मणि के कुर्ते का पिछला हिस्सा उठाकर सिगरेट का खाली पैकेट फंसा दिया था। पीछे चलने वाली भीड़ लाल मणि के कुर्ते की पूंछनुमा बनावट और इस संबंध में उसकी अज्ञानता का आनंद ले रही थी। तभी किसी ने उसके साथ चलने वाले आदमी को लक्ष्य कर आवाज दी, अरे नेताजी, जयराम जी की। साथ चलने वाले व्यक्ति की ईर्ष्यालु दृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ गया। उत्तर में नेता ने व्यंगपूर्ण स्वर में कहा, अरे काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत की मूली हैं। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया, फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और फिर नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कान की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सिलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार घिरा हुआ था। ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब, उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नजर जमाकर उत्तर दिया। मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं। अब दो चार यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पें होती हैं, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, लेकिन स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है, यही बातें आपसे अर्ज करनी थी, यही बातें वहां भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजाने में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे ये कहने के लिए आते हो, अब मैं भी तो भाई तुम ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति को ये समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में वह बोला, तो जो हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं, मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे गुट में कौन कौन है, आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बैठा कर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेलजोल रखकर चलना पड़ता है बेटा, नदी किनारे की घास जो है वो पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है, बड़ा सख्त काम है, अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है बेटा। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उससे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया हाथ पैरों में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चे को लेकर आंगन में झिलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो आई थी। बच्चे ने
कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वह कब माँ के पास चला गया इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई भी न आया था। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियां फूंक ली थी। हरिराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार वह प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ था। इस बार फिर हरिराम ने ही बात छेड़ी। चलो, घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनी वगैरह किसी को तो आना चाहिए था ना, हैं? शायद उनके बच्चे बीमार हो गए होंगे। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। हाँ, मैं तो देखो ठीक टाइम पर आ गया था ना, देख लो। हाँ, तुम ही ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन करेगा? हरिराम की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रच दिया जाए इसका उसे संदेह होने लगा था। छुट्टी होने पर उसने शीघ्रता से थैला कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में कुछ पुर्जे लिपटे रखे थे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई है। आवेश में उसकी मुट्ठी भींच गई, परंतु फिर संयत होकर उसने वो सामान पास ही अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के पहले सिरे पर फोरमैन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आ गई थी। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सर्चर को सबकी जेबें टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह गेट की ओर चल दिया। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए, परंतु आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों के पैडल दुगनी गति से चलने लगते हैं। लोग हाँफते हाँफते 2-3 मिनट में अंदर पहुंच पाते हैं। पकी उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जा पाते हैं, परंतु उस दिन वर्क्स मैनेजर ने साइन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर में आने का दंड 6-8 आना से कम नहीं होता। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने उससे पूछा था, कितने हैं? 54 अठनिया है। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेले उसी का हो। वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी है तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए? नौकरी में तो नौकर की ही तरह रहना चाहिए। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बात करे, पर न जाने क्यों वो ऐसा न कर सका। दिन भर वो यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वो कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला आया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बजता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था।
भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर हाथों में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगाने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदि हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था, हाथों में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही थी। तो श्रोताओं, ये थी शेखर जोशी की कहानी बदबू। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। कहानी में आवाजें थी गर्व, गौरव चतुर्वेदी, पवन सत्यार्थी और शिल्पी की। सूत्रधार के रूप में आप आवाज सुन रहे थे मेरी यानी सौरभ इंसान की,